अच्छा लगा सर आपसे मिलके। इस बार कौन सा आफते इश्क लाने वाले हैं? भाई यही वाला जो जिसके लिए आप लोग भी आए हैं, आफते इश्क है फिल्म है हमारी, और जो भी इस इश्क में पड़ता है उस पर आफत तो आती है, पर देखिएगा मज़ेदार आफत होगी, है ना, इंटरेस्टिंग सी कुछ अलग किस्म की आफत बनी है ये, तो देखेंगे तो मज़ा आएगा। हिंट वही है, एक लड़की के इश्क में सब पागल हैं और उन पे क्या क्या आफतें गिरती हैं और किस तरह से उसका समाधान होता है और आफतें करता कौन है, किस वजह से होती हैं, तो ये है सर। के हाँ डिटेक्टिव हैं, थोड़े से पुलिस वाले हैं, डिटेक्टिव हैं, तो मल्टी टैलेंटेड कैरेक्टर है, जो सब चीज़ राइटर भी है, डिटेक्टिव भी है, सब चीज़ है, पुलिस वाला भी है, तो काफ़ी अलग किस्म का रोल है, देखिएगा। हाँ इश्क में आफत है ना इसमें, तो इसमें होगी, आपको देखने को मिलेगा अभी। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि ये पैंडमिक के टाइम पे हमने किया था, जब पैंडमिक पीक पे था तो सब लोग सैनिटाइज करते थे, उसके बाद शूट करते थे, तो हर एक को सब लोग बड़ी संदेह की नज़र से देखते थे कि इसने सैनिटाइज़ किए हाथ ये नहीं, ये कैसे है ना, तो ऐसे डरे डरे में भी हम इमोशन लाने में जितने कामयाब हुए हैं वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। हालांकि डर के साथ इमोशन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमने निकाले फिर भी देखिए। थिएटर खुल चुका है सर महाराष्ट्र में भी, तो आप चाहेंगे कि Z5 के बाद महाराष्ट्र में सिनेमा घर में भी ये? हाँ वो तो सिनेमा तो सिनेमा है यार, सिनेमा वो असली इश्क है हर आर्टिस्ट का, है ना, तो सिनेमा में खैर ये भी सिनेमा ही है, और ये पहले से ही पता था कि ये OTT प्लेटफॉर्म के लिए Z5 के लिए बन रही है, तो ये पहले से ही सबको पता था। और हाँ नहीं अभी यार वो बताएंगे। हाँ यार प्रतिक्रिया अच्छा है यार, पेरेंट्स के हिसाब से आप देखें तो बहुत अच्छा है ना यार, कि मतलब और जो इतना प्यारा सा एक माहौल है दिवाली का, तो यार मैं पर्सनली तो नहीं चाहता कि किसी का भी घर पे थोड़ी सी भी मायूसी हो यार, तो ये बहुत अच्छा, मुझे तो मैं खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।